दोस्तों आप हैं बाइक पॉइंट पर और आपके सामने है 150 सीसी की सबसे फेमस बाइक बजाज पल्सर 150 ड्यूल डिस्क ब्रेक में। और अब ये बाइक BS6 हो गई है, तो बजाज कंपनी ने इसमें कितने बदलाव किए हैं, क्या आपको नए फीचर्स मिलते हैं और BS6 होने पर इसकी प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। और साथ में मैं आपको इसके दोनों कलर दिखाऊंगा, एक ब्लैक रेड और दूसरा ब्लैक ब्लू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाइक उपलब्ध है कनक बजाज अयोध्या उत्तर प्रदेश में, यहां पर आप बजाज की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं, यहां पर BS6 मॉडल उपलब्ध है दोस्तों। तो अब मैं आपको इस बाइक को फ्रंट से दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं फ्रंट में कोई बदलाव नहीं किया है बजाज कंपनी ने। आप इसके वाइजर पर देखेंगे तो आपको फुली ब्लैक वाइजर मिलता है, यहां पर कोई स्टिकर नहीं है, लेकिन अगर आप मडगार्ड पर देखेंगे तो लेजर एडिशन वाले आपको ये स्टिकर मिलते हैं रेड कलर के, और इसके एलॉय व्हील पर भी वही स्टिकर आपको मिलते हैं। और अगर आप यहां ब्लू कलर में देखेंगे दोस्तों तो ये ब्लू कलर के स्टिकर आपको वाइजर पर, इसके मडगार्ड पर मिलते हैं, इसमें भी आपको फुली ब्लैक वाइजर मिलता है। तो फ्रंट में कोई बदलाव नहीं किया है बजाज कंपनी ने, लेकिन अगर आप साइड से देखेंगे दोस्तों, मैं आपको साइड से दिखाना चाहूंगा दोनों बाइकों को एक साथ, तो आप यहां पर देखेंगे टैंक काउल पर ये लेजर एडिशन वाले स्टिकर टैंक पर, और इसके सीट काउल पर और इंजन काउल पर, मडगार्ड पर, एलॉय व्हील पर। ये ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है ये काफी बेहतर लग रहा है। यही चीज मैं आपको ब्लू कलर में दिखाना चाहूंगा, आप यहां पर देखेंगे ब्लू में भी वही ब्लैक ब्लू, इंजन काउल पर ब्लू, एलॉय व्हील पर ब्लू और यहां सीट काउल पर ब्लू। तो ये कॉम्बिनेशन काफी बेहतर लग रहा है लेजर एडिशन वाला। आप लोग बताएं कि आपको कैसी लग रही है ये बाइक इस कलर में, और दोनों में से कौन सा कलर आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक रेड, ये रेड कलर है दोस्तों। यहां पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर का आपको दिया गया है, ये लेजर एडिशन वाले स्टिकर हैं, वही चीज आपको यहां पर काउल पर मिल रहा है। साथ में आप यहां पर देखेंगे कार्बन फाइबर सा आपको ये दिया गया है, जिससे ये देखने में थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है पहले के मुकाबले। और आप यहां पर देखेंगे, और दोस्तों ये ड्यूल डिस्क ब्रेक में स्प्लिट सीट एडिशन है, यहां पर आपको स्प्लिट सीट मिलती है, अलग अलग सीट मिलती है। अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे तो उसमें आपको सिंगल सीट मिलेगी, तो ये अंतर है। बाकी मैं आपको पीछे से दिखाना चाहूंगा दोनों बाइकों को, स्प्लिट आपको ग्रैब रेल भी मिलते हैं, अब आप पीछे से देख सकते हैं। बताएं आपको बाइक कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और मैं आपको BS6 बाइक ही दिखा रहा हूं, इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं ये BS6 लिखा हुआ है, स्प्लिट ग्रैब रेल इसमें मिलते हैं। ये बाइक भी आपको BS6 ही है, यहां पर आप देख लें ये भी BS6 बाइक है। और अब मैं आपको राइट साइड से दिखाना चाहूंगा बाइक को, आप लोग बताएं कि कैसी लगी आपको बाइक। अब मैं यहां पर आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इस बाइक का मॉडल और डिजाइन पहले से देख रखा है। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, यहां पर आप देखेंगे टैंक काउल पर आपको ये टैंक पैड मिलते हैं, साथ में इस पे व्हाइट कलर, सिल्वर कलर के आपको स्टीकर मिलते हैं, और पल्सर इसमें 3D में लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर के स्टीकर है। तो दोस्तों मैंने आपको मॉडल और डिजाइन दिखा दिया, अब मैं आपको बताता हूं कि इस बाइक में बजाज कंपनी ने कितने बदलाव किए हैं। मैं थोड़ा ज्यादा इसके अंदर सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखें। यहां पर आप देखेंगे, जैसा कि मैं आपको हर बाइक में दिखाता हूं, ये साइलेंसर इसका चेंज कर दिया गया है दोस्तों। यहां पर एक कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया गया है, ये काफी मोटा सा आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन सेंसर लगा है, तो ये चीज चेंज है। साथ में इसकी वजह से इनका ये जो इंजन काउल है इसको भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि आप देखेंगे ये जो इसका डिजाइन यहां से इनको चेंज करना पड़ा। तो ये काउल तो पहले से मिल रहे थे, लेकिन अब आपको ये थोड़ा सा चेंज होके मिल रहे हैं, जिससे लुक थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया है, और यहां पर भी स्टीकर आपको मिल रहे हैं। तो पहला बदलाव आप ये जान लें कि ये साइलेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, साथ में ये स्टीकर आपको इस पे मिल रहे हैं दोस्तों। और ये हॉर्न की जगह चेंज की गई है, इसको थोड़ा सा अलग लगाया गया है और ये बदलाव हुआ है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किक तो पहले से ही नहीं आती थी ड्यूल डिस्क ब्रेक में, यहां पर आप देखेंगे तो इसकी कॉइल की जगह चेंज की गई है, जो इसकी स्टार्टिंग कॉइल है ये यहां पर आपको मिल रही है, वहां पर आपको मिल रही है, तो ये इसकी जगह चेंज कर दी गई है। BS6 हो गया है, तो इंजन में और कितने बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इधर से मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको उस बाइक में उधर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पता लगे कि इसमें और कितने कितने बदलाव बजाज कंपनी ने किए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इंजन तो वही है, ब्लैक कलर का आपको इंजन मिलता है, साथ में 5 गियर 1 डाउन 5 अप इसमें गियर मिलते हैं, गियर सिस्टम आप देख सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, तो अब इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलने लगा है। पहले यहां पर कार्बोरेटर होता था, यहां पर आपको चोक मिलता था, लेकिन अब ये सारी चीजें हटा दी गई हैं, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलने लगा है। यहां से आप देख सकते हैं कॉइल को, कॉइल का स्थान जो है वो चेंज कर दिया गया है, इंजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब मैं आपको इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाना चाहूंगा, बहुत सारी बाइकों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्यूल पंप होता है वो सीट, वो टैंक के बिल्कुल नीचे होता है, लेकिन इस बाइक में साइड में लगाया है बजाज कंपनी ने, आप यहां पर देख सकते हैं ये
ये साइड में लगाया गया है इसका जो फ्यूल पंप है, ये सारी चीजें। बाकी इंजेक्टर तो इसमें आपको मिल ही रहे हैं, इसमें सेंसर लगाए गए हैं, ऑक्सीजन सेंसर। यहाँ पर मैं आपको इंजन के पास दिखाना चाहूंगा, तो ये सेंसर इसमें लगाया गया है। तो पहले ये बाइक आपकी भावनाओं को नहीं समझती थी, लेकिन अब ये आपकी भावनाओं को समझेगी, क्योंकि ये पूर्णतया जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। इसमें सारी चीजें, ये आप मान लें कि प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें आपको मिलता है। और अगर हम इसके इंजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें 149.5 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 14 पीएस की पावर मिलती है 8500 आरपीएम पर, और इसकी मैक्सिमम टॉर्क है 13.4 न्यूटन मीटर की 6500 आरपीएम पर। और इसमें बॉस कंपनी का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। जो ये सिस्टम आप देख रहे हैं, ये बॉस कंपनी का है, तो ये काफी अच्छी चीज है, काफी ब्रांडेड कंपनी का इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है। तो ये तो इसके अंदर बदलाव बजाज कंपनी ने किए ही हैं दोस्तों। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले इसको थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये जो आप रॉड देख रहे हैं इसको लगाया गया है, जिससे ये वायरिंग इधर ना आए। तो डिटेलिंग पर काफी काम किया गया है। बाकी यहां पर आप देखेंगे तो ये हैंडल वही है, स्विच वही है, किल स्विच, सेल्फ की स्विच, ये आपको सारी चीजें वही मिल रही हैं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों तो मीटर में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। यहां पर आरपीएम लिमिट की लाइट पहले से मिलती थी, लेकिन अब आपको फ्यूल इंजेक्शन की लाइट मिल रही है। एबीएस पहले से ही आ रहा है, तो एबीएस की लाइट यहां पर मिलती है। मैं ऑन करना चाहूंगा इस बाइक को, यहां पर एबीएस की लाइट जल गई, आरपीएम लिमिट की लाइट जल गई है। साइड स्टैंड लो बैटरी इसमें आपको मिलती है। दो ट्रिप मीटर आपको मिलते हैं, यहां से आप ट्रिप मीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ में रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं इसमें आपको मिल रही हैं। अब मैं इस बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अब ये BS6 हो चुकी है, तो साइलेंसर इसका चेंज कर दिया है बजाज कंपनी ने। तो मैं आपको इसका साउंड सुनाना चाहूंगा कि साउंड पहले से कितना बेटर हो गया है। आप लोग खुद सुन के बताएं कि आपको कैसा लगा। मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने तो इसको स्टार्ट कर लिया है, मुझे ऐसा लगा कि इसकी थोड़ी सी बेस बढ़ा दी गई है, थोड़ी सी गूंज रही है आवाज, जिससे और ज्यादा मजा आ रहा है। आप लोग बताएं, यहां पर आप सुन सकते हैं। और इंजन के पास आप साउंड सुन सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा साउंड इसमें आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि अभी BS6 हो चुकी है, फ्यूल इंजेक्शन आ चुका है। और एक बार मैं आपको फिर से स्टार्ट करके सुनाना चाहूंगा, और आप अब सुन सकते हैं कि कितनी बेटर इसका साउंड है पहले से। तो ये इसका साउंड है, आप लोग बताएं कि पहले से कितना बेटर इसका साउंड है। पीछे के एलॉय व्हील में भी आपको स्टिकर मिल रहे हैं, आगे भी स्टिकर मिल रहे हैं। अब हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से टूल आता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आगे इसमें आपको 37mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। स्टैंडर्ड मॉडल से ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसकी वजह से इसके जो ये टी प्लेट है, ये सारी चीजें अलग तरीके की लगाई गई हैं स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले दोस्तों। तो इसमें आपको 37mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, साथ में 260mm की आपको इसमें बड़ी डिस्क ब्रेक मिलती है, सिंगल चैनल ABS मिलता है। लेकिन एक खूबी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये ABS की प्लेट लगी हुई है, जबकि और बाइकें जो सिंगल चैनल ABS वाली होती है उसमें आपको रियर लिफ्ट प्लेट, जो ये RLP प्लेट होती है, ये नहीं मिलती है। लेकिन बजाज कंपनी में जो भी बाइकें आप लेंगे ABS वाली, उसमें आपको भले ही सिंगल चैनल ABS होगा, लेकिन आपको ये RLP प्लेट जरूर लगी होती है, जिससे ये पीछे के पहिए की भी स्पीड को कैलकुलेट करता है, जिससे बाइक के ब्रेकिंग में काफी ये सहायता करती हैं, जिससे सही ब्रेकिंग लग सके। बाकी सिंगल चैनल ABS है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां से ये पाइप जो जा रही है, ये ब्रेक वाली, ये यहां पर जा रही है। तो आपने देखा कि इसमें आपको क्या सारी चीजें मिल रही हैं, वही चीज आपको ब्लैक ब्लू कलर में मिल रही हैं। ये दोनों बाइकें मैंने एक साथ इसलिए खड़ी करवाई हैं, जिससे आपको, आप लोग ये ना कहें कि मुझे ब्लैक ब्लू दिखाओ या ब्लैक रेड दिखाओ। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको दिखा दी दोस्तों। अब मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा इसके साइड पैनल को खोल के, ये मैंने पहले ही खोला हुआ है आप लोगों के लिए, जिससे मैं आप लोगों को दिखा सकूं। एक साइड की बैटरी इसमें मिलती है। अब आपको ये सेल्फ का रिले है, पहले से इसको चेंज कर दिया गया है, और यहाँ से आप इसकी सीट को खोल सकते हैं। यहाँ पर फ्यूज बॉक्स आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको सारी चीजें ये लिखी हुई है, किल स्विच का है, लाइटनिंग का है, ST कॉइल का है, हर चीज का इसमें आपको फ्यूज मिल रहा है। यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ से अगर आप इसको खींचेंगे तो सबसे पीछे वाली सीट खुलेगी, इसको खींचेंगे तो आगे वाली खुलेगी। अब मैं इसके पीछे वाली सीट को खोलता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिजाइन चेंज है दोस्तों, ये भी आप लोग देख लें। अब मैं इसको पीछे खोल चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, रेगुलेटर इसमें लगा हुआ है, इसकी ECU चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको ये जो ब्रेक ऑयल वाला है, ये यहाँ पर दिया गया है। इससे ये फायदा है कि जैसे मैंने कई केस में ये देखा है कि
लोग यहाँ पर छेद कर देते हैं तो पाइप वो निकल जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बेटर लगी। ये मैंने आपको इसकी सीट खोल के भी दिखा दी। तो ये कुछ इस प्रकार से इसके ग्रैब रेल टाइट किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रैब रेल स्प्लिट वाले ग्रैब रेल हैं। तो ये जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई। इसमें आपको बिना ये सिंगल चैन कवर मिलती है थोड़ा स्पोर्टी फील देने के लिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल चैन कवर है। इसकी चैन जो स्टैंडर्ड मॉडल होती है उससे ज़्यादा ओरिंग वाली, साथ में काफ़ी मोटी, इसमें जल्दी से आपको ढीली उली होने की कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं। इसकी चैन इस पॉकेट बिल्कुल अलग दी गई है। स्विंग आर्म बिल्कुल अलग तरीके का लगाया गया है। यहाँ पर ओरिंग वाली चैन आपको मिलती है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस पर ग्रीस व्रीस लगी हुई है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको टायर दिखाना चाहूँगा इस बाइक का। आप यहां पर देख सकते हैं 90-90-17 का आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलता है। और अगर आप पीछे देखेंगे दोस्तों तो 120-80-17 का आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलता है। आरएलपी प्लेट इसमें आपको मिलती है। तो ये जो भी चेंज थे मैंने आपको इस बाइक में एक एक चीजें बता दी हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो चेंज हुए हैं ये कितने बेटर हैं, और रही बात इसकी प्राइस माइलेज मैं आपको अभी बता दूंगा, आप लोग अपनी राय जरूर दें कि अब ये बाइक आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों आपको बजाज पल्सर ड्यूल डिस्क BS6 में कैसी लगी, मैंने आपको दोनों कलर दिखाए, ब्लैक रेड और ब्लैक ब्लू। आप लोगों की क्या राय है इस बाइक को लेकर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर हम प्राइस की बात करें तो 99,203 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ऑन रोड प्राइस के लिए आप कनक बजाज अयोध्या उत्तर प्रदेश में संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर हम माइलेज की बात करें तो ये बाइक आपको लगभग 50 तक की माइलेज दे सकती है सही चलाने पर। अगर कुछ बढ़ जाए तो उसके लिए भाई मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप मान के चलें कि लगभग आपको 50 तक की माइलेज मिल जाएगी दोस्तों इस बाइक में। तो इसमें जो भी बदलाव किए थे बजाज कंपनी ने, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है दोस्तों। और बाइक पहले से काफ़ी बेटर हो गई क्योंकि इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलने लगा है। तो आपकी इस बाइक को लेकर क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, और इसमें आपको दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक का कलर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसके लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।